जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई? आशा करता हूं अच्छे होंगे। सो मैं आपका विश्व फिर से आप सभी के समक्ष रेडी हूं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगले वीडियो के साथ। बट उससे पहले आज का दिन इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज फॉर ऑल द इंडियंस। मेमोरेबल डेज इन सेंस दैट टुडे इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैच अगेंस्ट आवर राइवल्स, a historical rival. You know, today is the Asia Cup, which is going to be played between India and Pakistan in a few hours. And hope, we must pray together that India becomes victorious. And my initiation of today's with this topic is because, देखिए दोस्तों, India and Pakistan की अगर history को हम समझने की कोशिश करें, so this religious divide, this divide on the basis of religion was a British manifestation. 1857 का जो revolt था, it was one of the most successful revolt. Success में एक सबसे अच्छी point थी, point ये था कि हिंदू और मुस्लिम्स का unity था। हाँ, उसमें एक demerit थी कि एक nationalism की feeling नहीं थी दोस्तों, but उस चीज को ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि अगर हिंदू और मुस्लिम को हम नहीं तोड़ेंगे तब हम इस देश में राज नहीं कर सकते। सो दोस्तों, हम जो हमेशा एक चीज कहते रहते हैं कि एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, वी मस्ट ट्राई टू नो दैट हिंदूज, मुस्लिम्स, ऑल द रिलीजियंस हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस एंड वी वेयर द फ्रेटर्नल ब्रदर्स। बट कुछ चीजें ऐसी हुई, कुछ लोगों ने हमारे रिलीजियोसिटी का नेगेटिव फायदा उठाया, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को गलत तरीके से प्ले किया एंड टुडे वी आर डिवाइडेड। टुडे वी आर जस्ट लाइक द आर्च राइवल्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, बट ऑल्सो इन द फील्ड्स, बट ऑल्सो इन द स्पोर्ट्स। बट दोस्तों, क्रिकेट इज लाइक एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। हमारे कितने भी बैटलफील्ड्स चल रही हैं, कितना भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बट जब क्रिकेट प्ले होता है तो एक कॉमन नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। और आज 2022 में जब आप चीजों को देखिएगा, तो जो भी कंट्रीज को अगर आप सॉलिडरिटी देखिए, मेंबर्स ऑफ द BCCI, इंडियन क्रिकेट टीम एंड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके बीच में जो एक भाईचारा वाली फीलिंग है, ये फीलिंग को हमारे रियल बॉर्डर्स पे भी एंड रियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे भी ये चीज को दोनों साइड से कोशिश करनी चाहिए, सो दैट ये जो एक ड्रीम था हमारे फोर फादर्स का कि इंडिया एंड द पाकिस्तान मस्ट नॉट बी फाइटिंग विथ ईच अदर बट मस्ट हैव कोलैबोरेटिव कन्वर्जेंट रिलेशन, ये ड्रीम्स के लिए क्रिकेट इज वन ऑफ द सॉफ्ट पावर। और बाकी मैंने थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एस्पेक्ट है कि क्या बेटर कर सकते हैं हम इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को सुधारने के लिए। सो वी मस्ट फाइंड द एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्ट पावर, कुछ ऐसे कन्वर्जिंग पॉइंट्स को हमें फाइंड करने पड़ेंगे जिसपे हम अपने रिलेशंस को बेटर बिल्ड कर सकते हैं। केवल किसी पास्ट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब करना इज नॉट अ सॉल्यूशन इन द लॉन्ग टर्म। सो विद दिस मैसेज, let's begin our important topic which we are going to deal today. We are going to deal with the classification. What? Classification of fundamental rights. Okay, dosto? Now, what is the importance of this lecture? The importance of this lecture is very simple. Because we know that we are telling, I have been telling you from the beginning that Article 12 to Article 35, it deals with the fundamental rights. But you must be asking that these many articles, is there any classification? How we will remember them? There must be a question in your mind ki kaise yaad rakhenge ise. To koi bhi cheez ko yaad rakhna hai to use aap divide kar le kuch groups mein. Agar divide kar lenge to cheeze apne aap acche se samajh mein bhi aa jayenge aur yaad bhi rahega dosto. Theek hai? So today we are understanding the classification of fundamental rights. Let's see. Okay? See, we have already dealt with the first, that is the article 12. We have dealt, what is the concept?
स्टेट पढ़ा था इसमें हमने, और ये समझा था कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं स्पेशली किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेंगे वो है स्टेट। कॉन्सेप्ट देखा था, नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लें। नेक्स्ट हमने समझा था आर्टिकल व्हाट 13 समझा था, इसने क्या एस्पेक्ट्स को डील किया था, इसने डील किया था लॉ को, इसने डील किया था एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू को, और इस आर्टिकल का एसेंस ये था कि फंडामेंटल राइट्स को रियल में ग्राउंड में एनफोर्स करने का राइट किसके पास है, ये आर्टिकल 13 देती है। ठीक है, अब हम रियल क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को समझने वाले हैं दोस्तों। सो सबसे पहली अगर क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करें, सो ये कहलाता है राइट टू इक्वालिटी। क्या कहलाता है दोस्तों? राइट टू इक्वालिटी, ओके। एंड दिस इज नॉट अ सिंगल राइट, इट्स अ ग्रुप ऑफ राइट्स। इस राइट के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ राइट्स आते हैं, और इसके एसेंस समझ लीजिए। इक्वालिटी मतलब क्या है कि हमारा कुछ भी धर्म हो, आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, आप झारखंड में रहते हो या आप महाराष्ट्र में रहते हो, ठीक है, आप ब्राह्मीण हो या आप शूद्र हो, द लॉ के सामने आप सबको क्या है दोस्तों? इक्वल है। क्या है दोस्तों? इन द आईज ऑफ द लॉ यू ऑल बी ट्रीटेड इक्वली। अगर आप जुडिशियरी है या आप किसी लेबर है, मतलब किसी लेबर सेक्शन में आप काम करते हैं, लेबरर हैं आप, सो आप में कोई डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजियन, धर्म के बेसिस पे, आपके कास्ट के बेसिस पे, आपके प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, लॉ आप पे डिफरेंशिएट नहीं करेगी। लॉ विल ट्रीट यू व्हाट? इक्वल, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। सो ये जो पेयर ऑफ आर्टिकल्स है ये यही राइट्स देता है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, दैट मीन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली इन द आईज ऑफ लॉ। अब इसमें आप कहिएगा कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो जस्ट देखिए मेरे दोस्तों, इसमें आ जाएंगे आपके आर्टिकल 14, इसमें आ जाएंगे आर्टिकल 15, इसमें आ जाएंगे आर्टिकल 16, इसमें आ जाएंगे आर्टिकल 17, और इसमें आ जाएंगे हमारे आर्टिकल 18। ठीक है, बेसिक समझ लिया। इसमें क्या क्या चीजें हैं ये जब हम एक एक आर्टिकल्स को डील करेंगे तब आपको समझाएंगे। बेसिक आप ग्रुपिंग्स को समझ के रखिए, क्लासिफिकेशन को समझ के रखिए, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी ये होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे अगर हम आए, दैट इज रेफर्ड टू एज राइट टू फ्रीडम। क्या कहते हैं दोस्तों? राइट टू फ्रीडम। अगर आप वर्ड को समझे फ्रीडम, फ्रीडम मतलब हम पे कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, फ्रीडम मतलब कि वी हैव आवर ओन इंडिपेंडेंस इन सर्टेन डिसीजन मेकिंग, इव हैव आवर सर्टेन इंडिपेंडेंस, हमारे पास फ्रीडम है, वी आर फ्री with respect to certain aspects of our well-being। अगर हम कहीं पे फ्रीली रहना चाहते हैं इंडिया के टेरिटरी के अंदर, हम रह सकते हैं अगर हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो। अगर हम कहीं जाना चाहें तो हम फ्रीली जा सकते हैं। सो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो फ्रीडम से बात करती है, जो आपके अस्तित्व को इंडिपेंडेंट बनाने की बात करती है, उसे कहते हैं राइट टू फ्रीडम। दैट इज फ्री बींग, फीलिंग ऑफ अ फ्री। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, अगर गवर्नमेंट फंक्शनिंग नहीं कर रही है उसके अगेंस्ट आप कुछ कहना चाहते हैं इन अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह, तो वो सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं आपके राइट टू फ्रीडम। अब आप कहिएगा इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? सो राइट टू फ्रीडम के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो कहलाते हैं आर्टिकल 19(1)(a) से लेके, ऐसे कीजिए, आर्टिकल 19(1)(g) तक। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज राइट टू प्रोटेक्शन। व्हाट? राइट टू प्रोटेक्शन मतलब समझ रहे होंगे कि ऐसा कौन से पेयर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से। मतलब स्टेट कभी चाहे तो हम पे अरेस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, उससे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करना पड़ेगा।
अगर आपके जैसे आप जानते होंगे कि किसी भी अगेंस्ट पे अगर कोई केसेस होते हैं, एफआईआर दर्ज होता है, तो डिटेल ग्राउंड्स बताना पड़ेगा टू द पुलिस अथॉरिटीज जब आपको अरेस्ट करने वो जाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ आपने ये काम किया, आपके ऊपर डिटेल एफआईआर, एक प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस के तहत ही आपको वो अरेस्ट कर सकते हैं। सो राइट टू प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब इसमें आप कहिएगा इसमें क्या चीजें आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी आपकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 22। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज रेफर्ड टू एज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वर्ड दोस्तों, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब जब हमारे साथ हमारा शोषण होता है, जब कहीं पे चांसेस है कि हमारे साथ कुछ गलत होने के चांसेस हैं, तो ये इस केस में कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट करेगा। इसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं? इसमें आते हैं आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ओके दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट राइट है जो इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों, क्योंकि यू नो दैट आवर कल्चर इज वेरी इंटैक्ट, आवर रिलीजियस अवेयरनेस इज वेरी इंटैक्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस राइट इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट स्पेशली इन द इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, व्हाट इज दैट राइट? दैट राइट इज रेफर्ड टू एज राइट टू व्हाट? Religious freedom और इसको हम लोग अलग तरीके से कहते हैं right to freedom of religion। Okay, what are the articles which are covered here? Articles which are covered here is referred to as article 25, article 26, article 27 and article 28। Okay, 28 तक आ गए दोस्तों। ठीक है, नीचे कंटिन्यू करना हो एक सेगमेंट बनाकर आपके लिए। नेक्स्ट जो पेयर ऑफ आर्टिकल्स है दैट इज रेफर्ड टू एज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। व्हाट? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, व्हाट इज दिस? दीज आर द टू राइट्स व्हिच आर इंक्लूडेड हियर इज आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ इफ वी कंसिडर टू बी आर्टिकल 31 दैट हैज बीन रिपील्ड, सो वी विल नॉट पे मच हीड टू इट। इट डील्स विथ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट इट डील्स विथ? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसे हम उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ऑब्सोलीट हो चुका है, रिपील हो चुका है, हट चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट राइट्स। नाउ दिस राइट विच आई एम गोइंग टू डील नाउ दैट इज रेफर्ड टू एज आर्टिकल 32। दोस्तों ये सारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 पता है क्या है? ही इज द फादर ऑफ अ फैमिली। क्या है? गार्जियन है पूरे फंडामेंटल राइट्स का। ये खुद एक फंडामेंटल राइट्स है। मैं समझाता हूं, इसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या कहते हैं दोस्तों? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको डिटेल्स में हम समझेंगे जब पढ़ेंगे, बट आप समझ जाइए कि जब एक फैमिली होती है ना, तो जब एक फैमिली बनती है तो फैमिली में एक होते हैं गार्जियन, दैट इज फादर, जनरली पैट्रियकल सोसाइटी है और जनरली जो एक रोल देखा जाता है दैट इज फादर इज द गार्जियन ऑफ द फैमिली। ठीक है, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं जैसे सन हो गए, कजन्स हो गए, अंकल हो गए, जो भी लोग हैं, तो फादर क्या है? फादर इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। That is why Article 32 is a part of a fundamental right. But at the same time, he is a guardian of all the members.
दैट इज वाई आर्टिकल 32 को भी वही दर्जा दिया गया है एज अ फादर ऑफ अ फैमिली, इट इज कंसिडर्ड टू बी एज गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि ये आर्टिकल अगर नहीं रहता कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर फंडामेंटल राइट्स में, तो ये सारे आर्टिकल्स का इंपॉर्टेंस जीरो है दोस्तों। ये आर्टिकल को कहा जाता है द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस आर्टिकल को कहा जाता है द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ। इस आर्टिकल की इतनी ज्यादा पावर है, क्योंकि पता है दोस्तों ये पावर, ये आर्टिकल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास हमें जाने का हक देता है और कहता है कि जब भी स्टेट कोई भी आर्बिट्ररी एक्शंस करे जो कि ये सारे फंडामेंटल राइट्स में किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, आपके पास आर्टिकल 32 दिया गया है और इस आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट्स में से इनमें से कोई भी वायोलेट किया गया है। आप समझ सकते हैं आर्टिकल 32 को, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बट इसका एसेंस आप समझ रहे होंगे। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है, अब एक लास्ट शेयर है, दैट इज रेफर्ड टू एज एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। मतलब इतनी कहानी के बाद लास्ट जो पेयर है वो बोलता है कि जिस अगर आर्टिकल आप 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35 के प्रोविजंस जो हैं, ये सारे प्रोविजंस के अंतर्गत आपकी क्लासिफिकेशन या आपकी जॉब आती है तो आप पे, आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्या है? नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या अनर्थ है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है? दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का एग्जिस्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके देश का एग्जिस्टेंस, सिटीजन। ठीक है, सिटीजन्स आप इसलिए आपकी एग्जिस्टेंस है एज अ सिटीजन बिकॉज पहले नेशन एक सोवरेन है, अगर आपका देश ही नहीं बचेगा तो आपका राइट्स कहां जाएगा दोस्तों। इसलिए कुछ राइट्स एक्सेप्शंस की तरह दिए गए हैं जिसका एसेंस अगर समझिएगा, दैट इज टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर आपका देश ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपकी सिटीजनशिप और आपके राइट्स कहां से होंगे? अगर कोई भी नेशन आपको अगर अटैक कर सकता है तो अगर आपके देश का एसेंस ही नहीं है, अगर आप सोवरेन ही नहीं है, अगर एज अ नेशन आप बचे हुए नहीं है तो आपके आर्टिकल्स का क्या फायदा? इसलिए ये आर्टिकल्स का कोशिश ये है कि लोगों को, जो लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं जहां पे बहुत प्राइवेसी की जरूरत है, जैसे कोई रॉ में काम करते हैं, कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में काम करते हैं, कोई काम करते हैं हमारे बॉर्डर्स में, हमारे सिपाही भाई जितने सब हैं, हमारे जो मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो न्यू दिल्ली में बैठ के कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है, उनको ये राइट नहीं दिया गया है। और इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि अगर ये खुलेआम अपने प्लानिंग्स को, अपने सीक्रेट्स को लोगों के साथ शेयर करने लगे तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी दोस्तों। सो आई होप द एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स का भी आपको समझ गया होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इसके साथ हमने एक डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को आपसे डिस्कस किया, आई होप द डिटेल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, एक सिंपल सा फैक्ट ना, कि राइट्स हो या लाइफ में कोई भी चीज हो, हम ह्यूमन सेंटीमेंट्स पता है क्या होती है, जब हमें कोई भी चीज इनफाइनाइट मिल जाता है ना तो हम उसका एक्सप्लॉयटेशन करना लगते हैं, उसे क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फोर फादर्स ने जब इसे फॉर्मुलेट किया था तो उन्होंने जानते थे कि ह्यूमंस के कैरेक्टर ही ऐसी होती है कि जब उसे कोई भी चीज ज्यादा मिले, आप रिसोर्सेस को देख लो, रिसोर्स ज्यादा मिलती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते नहीं है। तो हमारे फोर फादर्स ने भी ये चीज ध्यान रखा कि जब भी फंडामेंटल राइट्स आप दें तो साथ में कुछ ग्राउंड्स दे दें कि आप एक्सेसिव इनफाइनाइट फंडामेंटल राइट्स यूज ना हो सके, जिसे हम लोग कहते हैं RGR। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड्स। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड्स, ठीक है, या इसको बोलते हैं रीजनल रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। कहने का मतलब मैं आपको बेसिक एक एसेंस दे दूं कि ये जितने सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं ना, इस सभी में कुछ एक ऐसा एक लिमिट है जिसके बियॉन्ड अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि आप कह दिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरे पास है,
अब कोई एरोगेंट हो गया, भाई मेरे पास कुछ भी है, मैं तो इंडिया भारत माता के अगेंस्ट भी कुछ बोल सकता हूं। तो ये आ गया मिसयूज ऑफ योर फंडामेंटल राइट। तो इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसको प्रोटेक्ट करेगा उसी आर्टिकल में दिए गए प्रोविजंस जो बोल दिया है कि अगर आपके कोई भी स्टेटमेंट सोवरेनिटी को हैम्पर करे, इंटीग्रिटी को हैम्पर करे, सिक्योरिटी को हैम्पर करे, तो आप पे अगेंस्ट चार्जेस लग सकता है। और आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास तो आर्टिकल 19 है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन हम कुछ भी बोलते नहीं दोस्तों। सो यही फंड फोर फादर्स की इंटेलिजेंस देखिए, बी आर अम्बेडकर साहब की इंटेलिजेंस देखिए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते समय ह्यूमन के साइकोलॉजी को जाना और ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज का स्कोप बहुत ज्यादा है, इसलिए हर एक फंडामेंटल राइट में उन्होंने कुछ ग्राउंड्स बोल दिए कि आपके पास फंडामेंटल राइट है बट अपने लिमिट को समझ के रखें। उस लिमिट को क्रॉस कीजिएगा, आप एक तो प्रोटेक्टेड भी नहीं है, आप उसको बोल नहीं सकते कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, हमने ये देश के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, अब लोग हमको पुलिस पकड़ने आ गई है, तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपको वो ग्राउंड जान के रखना है कि इस ग्राउंड्स को हम वायोलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आवर सिटीजन, अगर हमारे पास राइट्स है तो हमारे पास एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आई होप ये समझ के होंगे कि रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस का क्या एसेंस है। ठीक है, एक लास्ट चीज दोस्तों, आप एक क्वेश्चन आप हमसे पूछेंगे या कमेंट सेक्शन में अगर आपके माइंड में आ रहा होगा, वो क्वेश्चन को मैं भी डील कर दूं कि आप पूछोगे कि भाई आपने सारे राइट्स बता दिया, बट दो टाइप के लोग होते हैं हमारे देश में। एक होते हैं जो हमारे सिटीजन है, मतलब हु हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और एक है जो बाहर से आके रुके हैं। तो इंडियन टेरिटरी में तो दोनों लोग रह रहे हैं, एक सिटीजन भी रह रहा है जिसके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, और एक है जो बाहर से आके एनआरआई लोग हो गए, तो उन पे कौन कौन सा राइट लगेगा? तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, और वो राइट्स जो है वो राइट्स केवल सिटीजन्स पे लगेंगे दोस्तों। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इसे दिल ओ जा में बसा लीजिए। क्या है? 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29, 30। फिर से बोली दोस्तों, 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29, 30। ये जो आर्टिकल्स है ये केवल सिटीजन्स पे लगेंगे। सो मेरे एक रिस्पेक्टेड सर ने मुझसे डाउट पूछा था कि रोहिंग्यास जो है, रोहिंग्यास का फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या कि इंडिया में आके रहें? तो सर मैं आपको क्लियर कर दूं कि रोहिंग्यास की अगर सेटलमेंट की बात आती है तो बात आती है फ्रीडम टू रिसाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और फ्रीडम टू रिसाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 के अंदर आती है, और आर्टिकल 19 जो है वो केवल मिला हुआ है किसको? सिटीजन्स को। एंड सिंस द रोहिंग्यास आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो रोहिंग्यास ये कह नहीं सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि मैं किसी भी देश के टेरिटरी में अपने को बचाने के लिए वहां जाके रहूं। और रोहिंग्यास के इशू को हम फर्दर इंटरनेशनल रिलेशंस में डील करेंगे जब हम इंडिया म्यांमार रिलेशंस को समझेंगे डिटेल्स में, बट उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन था कि क्या रोहिंग्यास का फंडामेंटल राइट्स नहीं है हमारे इंडिया में आके रहने का? नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बिकॉज जो राइट टू रिसाइड है वो आर्टिकल 19 में मेंशनड है, और वो आर्टिकल जो है वो केवल सिटीजन्स को है। सो विद दिस आई होप द डिटेल क्लासिफिकेशन, द डिटेल अंडरस्टैंडिंग एंड द डिटेल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा ऑब्जेक्टिव पे हमारा साथ दें, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल एंड एम्पावरिंग आवर इंडियन सोसाइटी। सो विद दिस दोस्तों, चलिए अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।